हेलो फ्रेंड, माय नेम इज रंजना और आज हम असाइनमेंट 7 करने वाले हैं। और असाइनमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ और सिक्स सारे में ही हमारे 100 मार्क्स रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि असाइनमेंट 7 में भी पूरे 100 मार्क्स होंगे। सो लेट्स मूव विद असाइनमेंट 7। Assignment 7, first question. During the photocatalyst to split the water, hydrogen and oxygen from the same chamber, this is true. Move with the second question. The photoelectrochemical reaction, photoelectrical jo chemical reaction jo hota hai, involved in the flow of electron in external circuit. This is true. Move with the third question. A necessary condition for the single material to serve a photocatalyst for splitting of water is the band gap should be greater than the potential window corresponding to electrolysis of water. यहाँ पे बोल रहा है कि necessary condition, यहाँ पे लिखा है necessary condition, but हम लोगों ने lecture में पढ़ा था, वहाँ पे बताया गया था कि यह sufficient है, condition है, ना कि necessary condition, that's why यह false हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द बैंड गैप ऑफ द सिंगल मटेरियल ऑफ द फोटो कैटलिस्ट बीइंग अ ग्रेटर देन द पोटेंशियल विंडो करस्पॉन्डिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर सफिशियंट कंडीशन फॉर इट यूज फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 19 में पढ़ा था कि यह सफिशियंट कंडीशन है, दैट्स वाई यह ट्रू हो रहा है। और फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। फिफ्थ लेक्चर में बताया गया था कि जो बैंड गैप जो होता है, जब वो इंक्रीज करता है तो जो पार्टिकल की साइज होती है वो डिक्रीज होता है। तो ये हम लोगों ने लेक्चर में कवर किया था और दैट्स वाई ये ट्रू हो रहा है। द बैंड ऑफ द सेमी कंडक्टर मटेरियल कैन चेंज बाय द चेंजिंग देयर पार्टिकल साइज। ये ट्रू है क्योंकि हमें पता है कि बैंड गैप कम होगा तो पार्टिकल साइज की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन एक तरह से हम लोगों ने देखा था लेक्चर में, दैट्स वाई फिफ्थ का जवाब ट्रू हो रहा है। द हार्शनेस ऑफ द विंडो एनर्जी एज इनडायरेक्ट वे ऑफ द हार्शनेस ऑफ सोलर एनर्जी, यह इसका जवाब भी ट्रू होगा। और फिफ्थ पे पहुँचते हैं। वाइंड मिल, जो वाइंड मिल होती है, कैन काजेज द साउंड पॉल्यूशन लोकली। इसका तो कोई इतना एविडेंस नहीं है, बट इसमें बोल रहा है कैन काज, तो यहाँ पे कैन काज द साउंड पॉल्यूशन लोकली। तो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, जो मैंने रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था उसमें, उसके अकॉर्डिंग इसका जवाब ट्रू हो रहा है। हॉरिजेंटल एक्सिस वाइंड टर्बाइन कैप्चर द एनर्जी थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ रोटेशन ऑफ द टर्बाइन। और ये लेक्चर नंबर हम लोगों ने 24 में पढ़ा था कि जो ब्लेड कैप्चरिंग ऑफ विंडो एनर्जी थ्रू द रोटेशन, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल जो एक्सिस ऑफ द टर्बाइन होती है, कैप्चरिंग द एनर्जी थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ रोटेशन ऑफ द टर्बाइन, यह लेक्चर नंबर 24 में बताया गया। तो वर्टिकल एक्सिस ऑफ द वाइंड टर्बाइन डू नॉट नीड टू ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन। ये बात सही है क्योंकि हमें पता है कि जो वर्टिकल एक्सिस वाइंड टर्बाइन होती है वो जनरेट पावर इनडिपेंडेंट ऑफ द वाइंड डायरेक्शन। जो ये इसका जो पावर जो जनरेट होता है ना, वो डिपेंड नहीं करता है कि डायरेक्ट जो विंड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। तो वर्टिकल एक्सिस वाइंड टर्बाइन डू नॉट नीड टू ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द वाइंड डायरेक्शन, दैट्स वाई ये ट्रू हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। द पावर अवेलेबल इन द वाइंड एनर्जी वाइंड इंक्रीजेज, द पावर अवेलेबल द वाइंड इंक्रीजेज एज द स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ वाइंड। तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 24 में पढ़ा था कि जो पावर एबिलिटी इन द वाइंड इज प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ द वाइंड वेलोसिटी। तो हमने उस लेक्चर में पढ़ा था कि जो पावर होती है वो वेलोसिटी का क्यूब होता है, पर यहाँ पे स्क्वायर बोल रहा है, दैट्स वाई यह फॉल्स हो रहा है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर
अगर अच्छी होगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। अगर आपको मेरे जवाब में कोई त्रुटि लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और उम्मीद करती हूँ उसमें भी पूरे जवाब आपके सही होंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।